Pakistan Air Force Airman, English Class 9, the most important and most repeated topics, MCQs, and examples of English for all branches of Pakistan Air Force, Pakistan Navy, and Pakistan Army. Equally beneficial for soldiers and officers. First of all, through the power. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin in Nabiyil Ummiji wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Faizan. EduSmart, the best education platform, ki taraf se ek aur nayi video ke saath hazir hoon. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसकी क्लास नंबर 9 देखेंगे. इंग्लिश की ये क्लास नंबर 9 है. अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान आर्मी की किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है तो ये क्लासेस जो मैं पीछे 8 दे चुका हूँ क्लासेस और आगे चलती रहेंगी इंग्लिश की, वो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं. ठीक है, आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं इन वीडियोज से, इन लेक्चर से फ्रीली, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, तो अगर वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल EduSmart द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके. तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ. पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टुडे आवर टॉपिक इज इंटरजेक्शन, the most important topic of parts of speech. इसमें से इंशाल्लाह आपको एक आध क्वेश्चन लास्ट में आएगा. तो parts of speech express strong feelings. Sorry, जी आना था. Express strong feelings, sudden emotions, expressions and sentiments. वो वर्ड जो शो करता है, एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो सडन इमोशंस बनते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो हैरानगी, अमेजिंग, किसी को बहुत अच्छा देख लिया, बहुत बड़ा पहाड़ देख लिया तो वाओ बहुत बड़ा है, अचानक मैच जीत गए तो वाओ हम मैच जीत गए. ठीक है, अगर किसी चीज़ पे दुख हुआ तो अलास. ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं बेसिकली इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं या एक्सक्लेमेशन कहते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैंने नीचे ऐड कर दी हैं और आप वहाँ से भी देख सकते हैं. एंड सम एग्जांपल्स आर थ्रू वर्बल, मैं आपको बोल के बताता हूँ. ओ नो, I missed the schedule of the class. Oh no, oh no, क्या है? Interjection. Hey, don't you hear me? Hey, क्या है? ये एक interjection है. Hey, take it easy. Hey, interjection. Oh, I forgot the class. I forgot the answer. इसमें oh क्या है? Oh, ये interjection है. Hurrah, we have won the match. Hurrah. ठीक है? Hurrah क्या है? ये भी इंटरजेक्शन है. वाओ, शी इज अमेजिंग, शी इज ब्यूटीफुल. तो इसमें जो वाओ है ये भी इंटरजेक्शन है. ठीक है, तो इंटरजेक्शन की कोई टाइप नहीं है. इसका जो यूज है वो आपको सिर्फ बता दिया इधर के कहाँ पे यूज होता है, कैसे वर्ड होते हैं. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو کینڈیڈیٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا پاکستان ایئر فورس کی کلاس نمبر آئی تھنک 9 کو, جس میں ہم نے انٹرجیکشن پارٹ آف اسپیچ کو ڈسکس کیا اور اس کا یوز دیکھا کہ کہاں پہ ہوگا. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें. अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो. ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो देन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह पाक को राज़ी करें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजें और इन दोनों हस्तियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप का कहना माने, छोटों से प्यार करें और एक अच्छी इस्लामिक ज़िंदगी बसर करें. ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम.